हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक तो इस वीडियो में हम रिलैक्सो फूडवेयर कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर आप रोज इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे तो ये देखिए सबसे पहले जो रिलैक्सो फूडवेयर का जो नेट प्रॉफिट है ये देखिए एनपी मतलब नेट प्रॉफिट जो कंपनी का जो मुनाफा है वो सिक्सटी सिक्स परसेंट बढ़ गया है और सिक्सटी सिक्स परसेंट बढ़कर नाइन्टी पॉइंट जीरो सेवन करोड़ हो गया है तो देखिए सिक्सटी सिक्स परसेंट मतलब आधे से भी ज्यादा मतलब पिछली बार अगर कंपनी सौ रुपए कमा रही थी तो इस बार वो वन कमा रही है तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है नतीजे एकदम बढ़िया आए हैं और जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना बेहतर तो रिजल्ट आए हैं अब आप ये देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम है वो जबकि सिर्फ 12 परसेंट ही बढ़ी है और जो कंपनी का मुनाफा है वो कितना 66 परसेंट बढ़ गया है तो ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कंपनी के एक्सपेंसिव एक अच्छे खासे कम हो गए हैं कंपनी के मार्जिन परसेंटेज में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है अब देखिए 675.98 करोड़ की की कंपनी टोटल इनकम निकल कर आई है और 12% परसेंट की कंपनी की टोटल इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिली है अब ये देखिए ये तो होगी बात रिजल्ट की रिजल्ट तो एकदम बढ़िया आए हैं लेकिन अब हमको ये देखना है क्या इसमें आपको निवेश करना है या नहीं तो ये देखिए सेक्टर का पी है नाइन्टी पॉइंट नाइन फोर और आपको लगभग ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज पर यह मिल रहा है अब देखिए प्राइस टू बुक रेशियो थ्री पॉइंट सेवन फोर है सेक्टर का जबकि इसका सोलह का है तो देखिए ये शेयर जो रिलैक्सो फूडवेयर आपको इतना महंगा मिल रहा है ना प्राइस टू बुक रेशियो पे ये इसका ब्रांडिंग का पैसा है देखिए ब्रांडिंग का एक अलग ही पैसा होता है वो आपको दिखता नहीं है जैसे आप देखिए एच डी एफ सी के जितने भी शेयर है ना वो फंडामेंटली देखा जाए तो ओवर वैल्यूड है लेकिन अगर उसकी जो ब्रांडिंग है जो ब्रांड वैल्यू है उसकी वजह से वो शेयर इतने महंगे नहीं है और वो आपको इतने सस्ते रेटों पर कभी भी नहीं मिलेंगे इनको आपको महंगे रेटों पर ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि देखिए आप ब्रांडेड कपड़ों के लिए ज़्यादा पैसे देते हो कि नहीं देते हो और जो नॉर्मल लोकल कपड़े होते हैं उसके लिए कम पैसे देते हो कि नहीं देते हो तो बस वही जो ब्रांडेड शेयर होंगे उनके लिए महंगी रेटें देनी पड़ेगी और जो सस्ते शेयर होंगे जिनकी कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं है उनके लिए आपको सस्ता प्राइस देना पड़ेगा अब ये देखिए ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर करोड़ की इसकी मार्केट कैप है अब देखिए सेक्टर का डिविडेंड है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स परसेंटेज जबकि इसका सिर्फ सवा एक परसेंट ही है सवा जीरो पॉइंट परसेंटेज है तो देखिए मेरे ख्याल से अभी थोड़ा फंडामेंटली थोड़ा सा महंगा तो ये जरूर है लेकिन ये देखिए आप लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये महंगा नहीं लगेगा क्यों क्योंकि तो ये देखिए जिस तरीके से लगातार इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं पिछले चार साल से लगातार इसका धंधा बढ़ रहा है और अभी भी देखिए इस बार भी इसका धंधा बढ़ा है और देखिए शुरुआत में लॉकडाउन था तो लॉकडाउन की वजह से सारे धंधे फ्लॉप ही पड़े हुए थे अब देखिए लॉकडाउन के समय में कौन जूते खरीदेगा सीधी बात है किसी को घर से बाहर ही नहीं जाना था तो घर से बाहर जाना नहीं था तो कौन जूते खरीदेगा बात है लेकिन ये देखिए पिछले चार साल से लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है एक लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ बिजनेस में नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये एक और बढ़िया बात है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए और मेन बात ये है, ये है कि ये हर साल नए नए ब्रांडेड जूते लेकर आते रहते हैं नए नए चप्पल लेकर आते रहते हैं और मेन बात ये भी है कि रिलैक्सो फुटवेयर का जो प्राइस रेंज होता है प्रोडक्ट का जूते का तो वो इतना महंगा नहीं होता है देखिए एडिडास में कैसे होता है मतलब चार पांच से स्टार्टिंग तो रिलेक्सो फूट में एक भी जूते खरीद सकता है तो वो उसी तरीके से अपने तो जो जो क्यों क्योंकि तो महंगे होते नहीं है इनके प्रोडक्ट इजिली अफोर्डेबल बाई मैन तो धीरे धीरे करके क्या है कि इनका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बन रहा है और इन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट लेके ले आ रहे कि धीरे धीरे अब जो रिच पीपल्स होंगे वो भी इनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे अब आप ये देखिए नौ का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी आपको आठ पर ये मिल रहा है मतलब एक सौ अभी भी ऑल टाइम हाई से ये आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है मतलब लगभग 11 से 12 परसेंट ये आपको अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है मतलब अगर यहाँ से सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को टच करी जाएगा तो आपको आराम से ग्यारह से बारह के रिटर्न मिल जाएंगे अब देखिए इसमें किस प्राइस पर निवेश करना है अब देखिए बाई अगर यहाँ से मार्केट गिर है तो इसमें भी आपको लगभग साढ़े सात सौ के लेवल देखने को मिल सकते हैं लेकिन देखिए अभी ना तो आपको पता है ना मेरे को पता है कि मार्केट का क्या लो होगा और क्या हाई होगा तो अपन एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि ये अगर ये कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है तो हम इसको किसी भी प्राइस पर ले लेंगे मतलब देखिए अब मेरा मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा मैं आपको ये बता रहा हूँ देखिए अभी ये आठ सौ तेईस का रेट चल रहा है तो मैं इसको मंडे के दिन एक शेयर ले लूँगा इसका आठ सौ तेईस रुपए पर मतलब सपोज मेरे को दस शेयर लेना है इसके तो मैं एक शेयर आठ सौ तेईस रुपये के भाव पे ले लूंगा फिर उसके बाद ये आठ सौ आ गया तो मैं दो शेयर और ले लूंगा फिर उसके बाद मैं साढ़े सात सौ आ गया तो मैं तीन चार शेयर और ले लूंगा फिर सात सौ आ जाएगा जो मेरे बचे हुए रहेंगे उसको भी मैं और धीरे धीरे करके ऐसे ले लूंगा

तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जरूर इसमें निवेश करना चाहिए आप इसको इस प्राइस लेवल पर भी खरीद सकते हैं और रही बात अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे ख्याल से इसके लिए साढ़े आठ सौ का लेवल अगर ये तोड़ता है तो आपको नौ सौ का लेवल इसमें जरूर देखने को मिल सकता है तो देखिए एक बार अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लें फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं तो आपको रिलैक्सो फूडवेयर के क्वार्टर ही रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि तो ये रोज़ आपको सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है Okay, thank you. Have a nice day.